फ्रेंड्स, न्यू इंडिया में हमने डी रेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग और डी बॉटलनेकिंग की मुहिम चलाई है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण हर ग्लोबल रैंकिंग में भारत निरंतर बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 रैंक का जंप, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 13 अंक का उछाल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 24 नंबर का सुधार और सबसे अहम वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 65 रैंक का सुधार अभूतपूर्व है, असाधारण है। और साथियों, आप सभी ये भी भली भांति जानते हैं कि ये रैंकिंग ऐसे ही नहीं सुधरती। हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर व्यवस्थाओं में सुधार किया है, नियमों को आसान बनाया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उद्योगों को कई साल लग जाते थे, अब कुछ दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन मिलने लगा है। इसी तरह कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में पहले कई हफ्ते लग जाते थे, अब कुछ ही घंटों में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बीते 5 वर्ष में क्या परिवर्तन आया, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बीते 5 सालों में भारत में 286 बिलियन एफडीआई हुआ है। ये बीते 20 साल में भारत के टोटल एफडीआई फ्लो का आधा है, 50% है। अमेरिका ने भी जितना एफडीआई बीते दशकों में भारत में किया है, उसका 50% सिर्फ पिछले 4 साल में हुआ है। और ये तब है जब पूरी दुनिया में एफडीआई इनफ्लो लेवल लगातार कम हो रहा है। इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 90% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से हुआ है और 40% ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। यदि आज इन्वेस्टर का भारत पर भरोसा बढ़ा है और वो लंबे समय के लिए आ रहा है,